नगर निगम के आक्रोशित कर्मचारियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन आंदोलन। मान मनोवल के बाद सफाई कर्मचारियों ने शुरू की शहर की सफाई। नगर निगम रीवा इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। हम बताना चाहेंगे कि गत सोमवार को नगर निगम कार्यालय रीवा में हुए विवाद के बाद कांग्रेस पार्षद दल और कर्मचारी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस पार्षदों के दुर्व्यवहार के खिलाफ कर्मचारियों ने पुलिस थाने में जाकर FIR कराने की बात कही। वहीं नगर निगम कार्यालय में आज अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर दी। सुबह 6 बजे से जहां सफाई कामकाज पूरी तरह ठप रहा, वहीं दफ्तर में पूरे दिन तालाबंदी रही, जिससे आम लोगों का कामकाज पूरी तरह से नहीं हो पाया। हम बता दें कि बीते दिवस नगर निगम कार्यालय में संबल योजना में कार्ड वितरण के मामले को विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसमें कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि निगरानी समिति में कांग्रेस पार्षदों का भी नाम शामिल होना चाहिए। विवाद की शुरुआत पार्षद रामप्रकाश तिवारी डेडू से हुई थी, फिर बाद में सभी कांग्रेसी पार्षद एकजुट हो गए। कांग्रेसी पार्षदों पर अभद्रता और अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप लगा। इस बीच कांग्रेस पार्षद सदस्य थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराने की मांग की। वहीं दूसरी ओर आज नगर निगम कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी थाने पहुंचे और शिकायतें दर्ज कराई। तनातनी के माहौल में नगर निगम के कर्मचारियों ने तालाबंदी का ऐलान कर दिया। वहीं सफाई कर्मचारियों ने सफाई कार्य ठप्प कर दिया। लगभग दोपहर 2 बजे के बाद कमिश्नर RP सिंह की समझाइश पर सफाई कर्मचारियों ने फिलहाल 24 घंटे सफाई कार्य व्यवस्थित रखने का आश्वासन दिया है और शहर में सफाई कार्य शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच यह भी कहा गया है कि यदि कांग्रेस पार्षदों के खिलाफ मुकदमा नहीं कायम होता तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। हम बताना चाहेंगे कि नगर निगम रीवा में अभी बवाल खत्म नहीं हुआ है। नगर निगम कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष अजय मिश्र बाबा को कक्ष का आवंटन गलत तरीके से किया गया था, जो अवैध है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज नगर निगम कर्मचारी संघ ने नेता प्रतिपक्ष के कमरे का ताला तोड़ते हुए उसमें बाहर कर्मचारी संघ का बोर्ड लगाते हुए पदाधिकारियों का नाम लिखवा दिया। निश्चित तौर पर नगर निगम रीवा में विवाद की स्थिति खत्म होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। इस मामले में दूसरा पहलू यह है कि शहरी क्षेत्र की अधिकांश योजनाओं का संचालन नगर निगम से ही होता है और आमजन यहाँ के चक्कर लगा निराश होकर लौट जाते हैं। पिछले 2 महीने से नगर निगम की हालत बदहाल सी होने की नौबत आ चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 महीने से लगभग 11 दिन हड़ताल में चले गए। अरसे बाद नगर निगम पुनः हड़ताल को लेकर खास चर्चाओं में है। इस संबंध में कर्मचारियों ने रीवा दर्शन को बताया कि कल हमारे नगर निगम में हमारे आयुक्त महोदय, हमारे अधीक्षण यंत्री महोदय एवं हमारे कर्मचारी जो ये अपना का ये कार्ड बांट रहे थे संबल योजना का, उसमें पार्षदगण डैडी जी थे और बाबा मिश्रा जी भी थे। इन लोगों ने, हम तो नहीं थे उस टाइम पे, कुछ अभद्रता की, कार्ड बांटने में कुछ अड़चनें पैदा की, जिस संबंध में फिर आयुक्त और महापौर जी से काफ़ी बातें हुई है। उसी संबंध में हम लोगों ने अभी ये निर्णय लिया है कर्मचारी संघ ने कि जब तक हम लोगों की मांगे पूर्ण न होगी, जो भी इस तरह से कृत्य होते हैं आए दिन कर्मचारियों के साथ होते रहते हैं, ताकि दोबारा ऐसा घृणित कार्य न हो कर्मचारियों के साथ। लोगों ने आज जो कार्रवाई की है, तो जो यहाँ विपक्ष के नेता का अवैध रूप से चैम्बर जो आवंटित था उसको हटा के और कर्मचारी संघ ने उसको अपने अधिपत्य में ले लिया है और अपना कार्यालय खोल लिया है। इसके बाद हम लोग अब आज अभी CSP साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम प्रकरण दर्ज कर रहे हैं और आपको कॉपी दे रहे हैं, उसके अंदर हम लोग बैठे हैं। और यदि नहीं होता है, चूँकि कल हमारे शहर में त्यौहार है, त्यौहार के कारण सफाई व्यवस्था में हमारे आयुक्त महोदय एवं अधीक्षण महोदय ने निर्देश किया है कि सफाई व्यवस्था शहर अपना है, व्यवस्था न बिगड़ने पाए तो सफाई व्यवस्था चालू कर दी गई है। फिलहाल ऑफिस बंद है और जैसा ही आगे हमारी परिस्थिति बनेगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम मौजूद हैं नगर निगम कार्यालय परिसर में, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यह कार्यालय पहले नेता प्रतिपक्ष अजय मिश्र बाबा को आवंटित किया गया था। यहाँ का कर्मचारी संघ कहता है कि यह कक्ष अवैध तरीके से आवंटित कर दिया गया था। हड़ताल के बाद आज इस कमरे में तालाबंदी करते हुए और यहाँ का जो स्थानीय संगठन है उसने अपना कार्यालय नेता प्रतिपक्ष अजय मिश्र बाबा के कार्यालय में कर लिया है। ये कितनी देर आप लोगों ने ये कब्जा किया? ये कब्जा नहीं किए हैं, एक्चुअली उनको अवैध तरीके से आवंटित था,
तो करीबन 11:30-12 बजे हमारे सभी कर्मचारी संघ इकट्ठा हुए और इसमें अपना कार्यालय संचालित कर दिए। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि अवैध तरीके से आवंटित था, क्योंकि आयुक्त के बगल में ही कमरा यहाँ पर है। क्योंकि क्या है कि चूंकि हमने नगर निगम एक्ट देखा, उसमें प्रतिपक्ष के नेता के लिए कहीं पर चैम्बर अलाट करने का कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए हम इसको अवैध मानते हैं। मतलब हम यहाँ पर नहीं आने देंगे नेता? हम यहाँ पर नहीं बैठने देंगे, चूँकि उनका जो कृत्य है तो अमानवीय है। कर्मचारियों के साथ दादी को रोष करते हैं, कर्मचारी के साथ छीना छपटी करते हैं, तो हम उनको कार्यालय के अंदर नहीं घूमने देंगे। पुलिस नगर पुलिस अधीक्षक को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, क्या कार्रवाई की बात? उन्होंने आपको कहा है कि मैं आपको एफ आई आर काफी उपलब्ध करा रहा हूँ, इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अजय मिश्र बाबा से। बाबा जी, आपके ऊपर आरोप है कि आपको जो नगर निगम में कक्ष आवंटित किया गया था वो अवैध है, ऐसा कर्मचारी संगठनों द्वारा कहा गया है, और आज उन्होंने अपने कमरे आपके कमरे में अपना ताला लगा दिया है और अपने नेम प्लेट लगा दी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये तो मेरे को जानकारी आपके माध्यम से हो रही है, शाम को पौने 6 बजे, अभी तक हमको जानकारी नहीं हुई थी, हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने गए थे, तब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नगर निगम परिसर में कक्ष हमें आवंटित है, वह कमिश्नर के द्वारा आवंटित किया गया था और परिषद से उसकी पुष्टि हो चुकी है। अगर उस कक्ष में कर्मचारी संघ ने ताला लगा दिया है और वो कहते हैं कि उनका है, तो ये मानिए आप कि नगर निगम में जो लगातार एक हफ्ते से विवाद चल रहा है, 12 तारीख को जो गायों को निकाला गया, नगर निगम परिसर का मुखिया अगर कोई है तो सिर्फ कमिश्नर होता है और महापौर, दोनों का वहाँ कार्यालय है। तो अगर ये कक्ष में वो कर्मचारियों को सफाई कामगार संघ या कोई भी कर्मचारी संघ को अलर्ट किया गया है, तो मैं आपको अनिल जी बताना चाहता हूँ कि ये पूर्ण रूप से षड्यंत्र है। रीवा में नगर निगम के जो अधीक्षण थी शैलेन्द्र शुक्ला, जो कमिश्नर है आरपी सिंह, ये दोनों जन रीवा में विकास नहीं करना चाहते और विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं। यहाँ के स्थानीय मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला का पूरा षड्यंत्र था कि कांग्रेसियों को प्रताड़ित करो और उनको तंग करो, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। इसीलिए उन्होंने शैलेन्द्र शुक्ला और आरपी सिंह के माध्यम से, अबुद्ध सिंह जो सफाई का इंचार्ज है उसके माध्यम से वहाँ पर गायों को दफन करवाया, जिससे हिंदू मुस्लिम दंगा हो। तो मेरा जो कक्ष है वो परिषद के द्वारा आवंटित था, अगर परिषद से निरस्त कर रही है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जनता की सेवा हमको करनी है, हम लोग जनता की सेवा 24 घंटा करते रहते हैं, आंदोलन प्रदर्शन हम लोग जनता के लिए करते हैं। अगर उनको कक्ष का प्रेम है तो कक्ष उनको आवंटित किया जाता है और वो कक्ष को। कल निगम कार्यालय में जो बैठक हुई, बैठक के दौरान जो हंगामा हुआ, उसके बाद अब क्या परिस्थितियां बन रही हैं और कांग्रेस पार्षद दल आपका अगली क्या रणनीति बना रहा है? कल हमारे वार्ड क्रमांक 29 के सम्मानित पार्षद राम प्रकाश जी, संबल योजना के अंतर्गत जो स्मार्ट कार्ड का वितरण था उसको लेकर एक उनके मोहल्ले के लोग आए, 300-400 लोग उनके घर में, कि भैया हमको संबल योजना का कार्ड आवंटित नहीं हो रहा है, हम लोगों को जो योजनाओं का लाभ मिलना है क्या नहीं मिलेगा। जब ये बात उनके सामने आई तो उन्होंने, राम प्रकाश तिवारी डैडू ने कहा कि ये तो निगरानी समिति को बांटना है, चलो मैं कमिश्नर के पास चलता हूँ और बात करा। जब ये वहाँ गए और वहाँ पर जब कमिश्नर से इनकी बात हुई तो कमिश्नर ने इनसे बड़ा ही बेहूदी ढंग से बात की, जो एक जनप्रतिनिधि से आयुक्त को नहीं करना चाहिए। उनके साथ जनता थी, आप उनके स्मार्ट कार्ड बनवाते, शासन की योजना है कि घर घर स्मार्ट कार्ड पहुँचा। नहीं तो कमिश्नर साहब का आरोप है कि आप लोग अमर्यादित आचरण का व्यवहार कर रहे थे, पूरा मीडिया जगत वहाँ पर था, नगर निगम में CCTV फुटेज लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, आपका पूरा मीडिया जगत था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी फुटेज देख ले, नगर निगम में ही राम प्रकाश तिवारी डैडू हितग्राहियों को एक किनारे बैठ के कार्ड बंटवा रहे थे। उसी समय कमिश्नर का और शैलेन्द्र शुक्ला का फोन आया कि ये कार्ड डैडू तिवारी नहीं बांटेंगे। डैडू तिवारी ने कहा कि मैं तो बांट ही नहीं रहा हूँ,
मैं तो सिर्फ पहचान की इनको बता रहा हूँ। नहीं तो नगर निगम का जो कर्मचारी संघ है उसका कहना ये है कि जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। वो अनिश्चित तो आप लोग क्या माफ़ी मांगने जनता के हित में माफ़ी मांगेंगे? भाई जनता के हित में तो हम किसी के पैर भी छू सकते हैं अगर जनता का कल्याण हो। है जनता के हित में तो हम किसी के पैर भी छू सकते हैं, पर ये जो कर्मचारी ने हड़ताल किया है ये इनके साथ कोई चीज़ जबकि बदतमीजी नहीं हुई है। इन्होंने तो शैलेंद्र शुक्ला के कहने पर हड़ताल किया। शैलेंद्र शुक्ला एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दोनों दलों को अपने आप को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब उनका समय समाप्त हो गया। अब हम उनके खिलाफ लोकायुक्त की जांच करवाएंगे, हम उनके खिलाफ जितनी संपत्ति है उनकी उसकी जांच कराएंगे, हम उनके 20-20 साल से जो यहाँ नगर निगम है उसकी जांच कराएंगे। अब ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की रुचि की कुछ चालू और हम लोग जो ये लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं उससे यहाँ के स्थानीय मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी को बहुत अधिक परेशानी हो रही है, जिसके कारण सारे नगर